Hey guys, welcome to Remora Vlogs. और आज हम ऐसा करने जा रहे हैं जो हम हमेशा ही करते हैं और वो है बैड जोक्स चैलेंज, यानी कि बैड जोक्स, यानी कि बैड 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 जोक्स चैलेंज। कुछ एक बार तो बोल दो मेरे साथ। अरे तो हम हमेशा कब करते हैं? Just because you both are bad jokes doesn't mean हम लड़ाई के फील में हैं। हाँ, हमें हराना है। आज मैंने हरा दूंगा, क्योंकि हमेशा बोलते हैं मैं तेरे से बुरे पीजेस डालता हूँ। गाइस, इन लोगों के बुरे पीजेस ऐसे होते हैं कि मैं तो कभी उनमें एंटर ही नहीं कर पाती हूँ, मुझसे तो हो ही नहीं पाते। तो इसीलिए मैं अलग न्यूट्रल से कलर में हूँ, लेकिन हाँ मैं भी अपना जोक का पावर आजमाऊंगी। बट पहले ये दो शातिर होनहार तगड़े कलाकार पागलदार लोग भिड़ जाए एक दूसरे से। शुरू करते हैं हमारा बैड जोक्स चैलेंज। Guys, so ये जो बैड जोक्स होने वाला है, इसमें हम एक दूसरे को देखकर जोक्स बोलेंगे। Okay. लेकिन हम जीतेगा कौन बताओ? बेसिकली गाइज, अगर ऋषि ने इनको जोक्स सुनाया और ये हंस दिए तो इनका पॉइंट खत्म हो गया। पॉइंट वैसे खेल नहीं रहे हैं, एंड में डिसाइड हो जाएगा कौन जीता कौन हारा। तो वो कर ले पुगाई। पुगाई 3-2-1 गो भाई। ओ, हम दोनों हमें यही बैठना है, कोई चेंज नहीं, आप एंजॉय करो। तो मैं एंजॉय करूं? हाँ। ओके, आप दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हो। पहले जोक कौन बोलेगा? हम बोलेंगे, आप तो शुरू करो अपना। तुम फाटक हटाओ। नहीं, पहले तुम दोनों चूज करो। क्या क्या आइसक्रीम? नहीं, इधर आओ। डीओ नहीं, कौन सा होता है नंबर कौन सा? हाँ वो करो। तो हाँ, एक या दो? दो। एक या दो? तो एक ही हुआ। दो बैड जोक शुरू अभी से हो गए। यार दो, हाँ मेरा दो, मैं टॉस कर लेता हूँ। ये क्या था? ये मैंने सिक्का निकाला, दो था तो मैं शुरुआत करूँ। ठीक है, आप शुरू करो। तो अब शुरू होने वाला है इन दोनों के बीच में मुकाबला बैड जोकों का। गो। आदमी की शक्ल ही कॉमेडी वाली है। ये तो हंसी जा रहा है। जो तू बोल रहा है कि ये तू क्यों हंस रहा है? ये बोल रहे मैं खुद बोलता हूँ। एक बार एक मुर्गी बड़े गुस्से में थी। ओह, दूसरी मुर्गी ने पूछा, तेरे को क्या हुआ? कहते, मुझे मेरे मालिक ने डांटा। कहते, क्यों डांटा? कहते, तुमने ये अंडा इतना छोटा क्यों दिया? कहते, फिर तू क्यों इतनी नाराज होगी? कहते, मैंने बोला अब मैं तेरे 2 रुपए के चक्कर में अपना फिगर खराब। एक सज्जन व्यक्ति था, उसने 7 वर्षीय छोटी बच्ची से पूछा, बेटा तुम्हारे बाल बहुत सुंदर, ये तुम्हें पापा से मिले या मम्मी से? पता है बच्चे ने क्या बोला? मम्मी से तो नहीं, लगता है पापा से, क्योंकि वो गंजे हैं। एक रास्ते में एक्सीडेंट होता है, वो एक्सीडेंट होता है और लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। एक गौरव जैसा बंदा वहां पहुंचता है, वो देखता है उस वारदात को और चिल्लाने लगता है, दूध लाओ दूध लाओ दूध लाओ। एक बंदे के पास पैसे तक नहीं थे, वो जैसे तैसे जाके दूध लाया, उसे लाके दूध दिया। गौरव दूध लेते खुद पी लिया। कहते, ये क्या हो गया? कहता, मेरे से देखा नहीं जा रहा। चंटू बड़े थकान भरे दिन के बाद घर पे आया। चंटू? हाँ, स्कूल से। अच्छा। उसकी मम्मी ने पूछा, बेटा क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो? बेटा क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो? पता चंटू ने क्या कहा? पहले तो मैथ्स के पहाड़े, उसके बाद में अंग्रेजी का निबंध, और फिर टिफिन में एक कद्दू की सब्जी। ये जोक्स पढ़ता है, संस्कृत पढ़ के आता है।
मैंने भी किया बोल एक या दो एक मेरे वाले का आप जीत के दिखाओ तो मानू चल रही है बोलो एक या दो 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 जाओ रेडी ओके कोकिला बहन रेडी ओके शुरू कौन करेगा मोइना एक गांव था गांव में बहुत सारे फार्मर्स थे अच्छा एक गांव था गांव में बहुत सारे फार्मर्स थे और वो फार्मर्स कहीं जा रहे थे उनके पास सिर्फ एक रास्ता था okay. सारे फार्मर्स एक जगह आ गए क्योंकि सबको काम पे एक साथ जाना था और वहां पे सब अटक गए और अटक गए तो कोई वो एक दूसरे को एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि क्या हुआ वहां पे तो उसने बोला वहां पे किसान जाम था पानी इतने सारे किसान अटक गए लड़की नहीं अटकी बिल्कुल रट के बोला है कोई फुल स्टॉप नहीं अबे तुम क्यों तुम खेल रहे हो यार मैं फील में आ जाता हूँ पीछे रहो नॉक नॉक who's there who why are you sounding like owl उसमें एक बात थी ठीक है बा कभी मरी क्यों नहीं क्यों बता तू चुप रह यार मैं बा कभी मरी क्यों नहीं क्यों क्योंकि बा वाज गॉड बा खुदा तुम ही हो बा खुदा तुम ही हो एक बार रव को फोन आता है ऑडिशन के लिए रव पहुंचा ऑडिशन हमेशा की तरह हाँ उन्होंने पूछा रव तुमने इससे पहले कौन सा शो किया उन्होंने बोला कोई किया है उसने बोला मैंने किया है बोले अगर तुमने किया है तो तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो कहते हैं यहाँ पर मैं ऑडिशन दे रहा हूँ कहते अच्छा अगर तुम ऑडिशन दे रहे हो तुमने शो किया है तो तुम्हारा बजट कितना होगा कहते जितने में रख लो मैं फ्री में भी करने को तैयार हूँ मुझे पता है जोक में हंसी आए ना ये सही है कुछ भी मैं भी एक बोलता हूँ मैं ऐसे बोल देता हूँ एक बार क्या गाड़ी चल रही सामने सारा तोता मैं तोता यार अब तोते तोता क्या करता आपका तोता करता होगा ऐसा एग्रेसिव तोता अब मैं चल के गया भाई पेट्रोल खत्म हो जाएगा चल ले गाड़ी चल तोता आ रहा वो हो गया दोनों टक्कर तोता हो गया बेहोश आदमी को आया गुस्सा उसने डाला उसे पिंजरे में ठीक है पिंजरे में तोते को होश आया तोता बोलता है ना लगता है ड्राइवर मर गया जेल हो गई तो पाजी इसको काफी सिंपल कर देते हैं हाँ. अपने फेस ऑफ टाई रहा ओके आपका फेस ऑफ टाई ओके ठीक है आपको मिल गया दो मौके ओके साथ भी मिल गया इनके साथ भी मिल गया आप टाई पे बैठते हो ओके इनको मिल गया अभी तक एक मौका इनके साथ टाई रहा ओके अब हम दोनों का दूसरा मौका है जो जीतेगा वो चैलेंज जीते तो मैं हट गया आप जीत नहीं सकते आप टाई पे ओके रेडी ओके आ जाओ बहुत दूर से हम खड़े थे और हम बहुत दूर खड़े हुए थे और हम देख रहे थे और हमने जो देखा तो हमें दिखा के भाई चार अंडे ऐसे उबल रहे थे ठीक है हम पास गए तो चार अंडे नहीं उबल रहे थे चार टकले कूद रहे थे कैसे इट वाज अ वेरी नाइस भाई ने बताया हुआ जोक था ये नहीं ये मेरा बचपन का जोक है okay? ये तो ना भाई ये बहुत देर से रुकी थी भाई ने मना भी किया था नहीं ये तो मतलब कुछ भी है वेरी गुड वी ट्रस्ट यू सक्सेस अब मेरी बात ऋषि हजा यार मैं वो है नहीं अब ये किस्मत अब अपनी है ये कैसे करा क्या करूं दो बच्चे आपस में बातें कर रहे थे स्कूल में कहां
स्कूल में, कंटीन में, कंटीन में, कंटीन में बातें कर रहे। भाई तुझे चीनी भाषा पढ़नी आती है क्या? दूसरे ने पता क्या बोला, आप पढ़नी तो आती है अगर अंग्रेजी और हिंदी में लिखी हो तो। आपकी बारी। गाइस याद रखिए, अगर इन दोनों ने फिर से नहीं हंसे तो टाई होगा, तो फिर से टाई होगा। इसमें तो रिमोरोव ने टाई कर दिया। हाँ हाँ, चलो एक्शन। ओके इधर देखिए। ओके ये पहले तो आंखों से फंसाती है। हाँ बंदा डूब जाता है और दाएं दो तीन करते आदमी घुस जाए फिर इन्वॉल्व करके हरा देती। रेडी एक्शन। अगर आपका नाम रोज है, डोंट टच मी, व्हाट इज दिस? हाँ, ही गेट्स रोज। अगर आपका नाम, आई गेट गूज़बम्प्स। ओह गॉड। रेडी। अगर आपका नाम रोज है और मैं चाहती हूँ कि आप मून पर जाओ, तो आप कैसे जाओगे? मैं बस आपको बोलूंगी गुलाब जामुन। ये इसने मलेशिया में भी मारा था, मैं तभी भी नहीं हंसा था। इसने अपना चांस गवा दिया, अच्छा वाला चांस था। मैंने कहा था भाई पर इल्जाम लगाती हुई भाई है मैं। मत हंसना प्लीज, टाई करवा देना, रब नहीं जीतना चाहिए। गाइस मेरा बहुत ही बाहियात जोक था, बट इट इज अ बैड जोक। चलो रेडी। अब चंटू याद है? चंटू हाँ, स्कूल से जो आया। हाँ, स्कूल। डोंट इंटरैक्ट, यू डोंट इंटरैक्ट। नो नो, चंटू स्कूल से आया। हाँ, रिजल्ट ले। हाँ हाँ, बोले पापा आप बहुत किस्मत वाले हैं। बोला क्यों? बोले आपका बच्चा फेल हो गया, आपको नई किताबें लेने की जरूरत नहीं है। टाई ये जोक था। हाँ। ऐसे टाई बना के रखे, ऐसे टाई बना के। तो हम सब टाई हैं। हाँ, हम लोग एक दूसरे को बीट नहीं कर सकते। बैड जोक्स में नहीं हो सकता गाइस, वी गिव अप। सब माइक पकड़ो, माइक ड्रॉप, माइक ड्रॉप। तो गाइस ये पता नहीं आज हमने क्या किया है, ये कभी कभी वैसे भी कर लेते हैं क्योंकि हमको सब प्रोफेशनल। हम अपने जोक मारने थे, हमें जोक पता नहीं है तो हमने जोक पड़पड़ा के मार डाले। अंदर के बहुत सारे जोक हमारे अंदर के निकल के बाहर आ रहे थे जो हमने आप लोगों के सामने रखे। इसे दूसरी भाषा में कहते हैं पीछे। और वैसे भी हम लोग एक बहुत बड़ा त्रिकोण जोक है। ओके हमारा बैड जोक्स चैलेंज। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप भी इतने ही बुरे बुरे जोक्स बोल के अपने दोस्तों को पकाते रहे, परेशान करते रहे। बोले बोले अब तो मैं भूल गया, अब तो मैं भूल गया। अरे बाय द वे आप लोग भी बहुत अच्छे अच्छे जोक्स लिखते हो हमारे कमेंट्स में और हम पढ़ते हैं। कोई कोई बैड भी होते हैं, उसी से इंस्पायर होके हम आए हैं यहाँ पे आपके लिए बैड जोक चैलेंज लेके आके आए हैं। तो अगर आपको ये चैलेंज पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यार आप ना हमेशा वीडियो के एंड में बोलते हो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, आजकल आप लोग बीच में बोलते नहीं? बीच में नहीं बोलते। क्यों बोला गया? ओके कौन बोलेगा भाई। सो गाइस इस वीडियो को कितने लाइक्स मिलने चाहिए घटिया जोक्स के साथ? गाइस 90,000 लाइक्स। सो अगर आपको ये चैलेंज पसंद आया हो प्लीज लाइक्स का रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। यस यार, शेयर कीजिए बहुत सारा और सब्सक्राइब का बटन आ चुका है, सब्सक्राइब कीजिए। और मोइना क्या खरीदे भाई? एक तो बेल का आइटम। हाँ, बेल का आइटम आ गया, बेल का आइटम आ गया, उस आइटम को ऐसे दबा दो है ना। फिर क्या खरीदे तुम बताओ ना? मर्चेंडाइज। So, हम अभी तक क्यों भीख मांग रहे हैं? मैं नीचे में जाने से पहले मर्चेंडाइज खरीदो। हाँ, so, जाने से पहले मर्चेंडाइज। जाने से पहले गाइस 3-2-1 गो। वी मोर लव ए ए। क्या बैड जोक्स मारते हो आपके? फिर भी लाना तुम्हारे चिल्ड्रन। मैं आऊंगा और नहीं लेगा। तू हंसा क्यों नहीं? ऐसे गंदे चैलेंज क्यों करते हो तुम? मेरे ठीक थे तो तू हंसा क्यों नहीं गौरी? महा बेकार चैलेंज किया तुम। मेरा फोन रह गया। ऑडियो ऑडियो बाय। मैं अपनी चैलेंज हारूंगा, मैं पागल हूं क्या? हम साया